प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में से एक कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। पीएम मोदी के इस फैसले से देश को आने वाले वक्त में कई फायदे मिलेंगे। देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा तो आर्थिक विकास की बयार आएगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के इस फैसले से देश को कई और फायदे मिलने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं मोदी के एक नोटबंदी के अनेक फायदे। काला धन होगा खत्म। नोटबंदी का देश को जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो ये है कि इससे या तो काला धन सरकार के पास आ जाएगा या फिर ये खत्म हो जाएगा। 500 और 1000 के नोटों के रूप में करोड़ों रुपए दबाकर रखे लोगों के लिए ये फैसला किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस फैसले के बाद उनके पास रखे सारे रुपयों का मूल्य शून्य हो चुका है। बाहर होंगे जाली नोट। नोटबंदी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था काला धन के साथ नकली नोटों से भी जूझ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले ने सारी फेक करेंसी को अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया है। डिजिटल करेंसी की ओर कदम। नोट बैन से पहले अधिकतर लोग कैश का ही प्रयोग करते थे, लेकिन नोट बैन के बाद डिजिटल करेंसी का प्रयोग बढ़ा है। जो लोग पहले डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग नहीं करते थे वो अब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी का प्रयोग जितना ज्यादा होगा भ्रष्टाचार की संभावनाएं उतनी कम हो जाएंगी। सस्ते होंगे लोन। नोट बैन के बाद कैश की कमी से जूझ रहे बैंक मालामाल हो चुके हैं। बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होने का फायदा जल्द ही ग्राहकों को सस्ते लोन के रूप में मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था को उछाल मिलेगा और जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। आतंकवाद पर बैन। पीएम मोदी ने एक तीर चलाया और कई शिकार एक साथ कर लिए। नोट बैन से जहां काला धन खत्म होगा वहीं आतंक पर भी बैन लगेगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत की नकली करेंसी बनाकर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो काम कर रहा था वो नोट बैन से बंद हो गया है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से कश्मीर में शांति है। तो साफ है कि भले ही नोट बैन के बाद देशवासियों को कुछ तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन इन तकलीफों में उनका उज्जवल भविष्य छिपा हुआ है। यही कारण है कि भारत की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है।